हेलो फ्रेंड्स हेलो स्टूडेंट्स हेलो एवरीवन आप लोग सब आ गए तो आज हम चैप्टर थ्री की एक्सरसाइज वन थ्री पॉइंट टू स्टार्ट करेंगे ठीक है मैंने एक्सरसाइज सारी कंप्लीट कर दी है चैप्टर टू की और चैप्टर वन की तो चैप्टर वन आप लोग चेकआउट कर लीजिए चैप्टर टू आप लोग चेकआउट कर लीजिए और चैप्टर थ्री आप लोग कैरी ऑन करिए तो आप लोग सभी आप लोगों को मजा आ रहा है पढ़ने में सभी लोगों को आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है क्या आप लोग फटाफट से होमवर्क कीजिए और मुझे बताइए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थ्री की एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू सो आवर चैप्टर इज प्लेइंग विद नंबर्स हम लोग नंबर्स के साथ क्या कर रहे हैं प्ले कर रहे हैं ठीक है अगेन आज की क्लास में बहुत मजा आएगा मैंने बहुत एक्साइटिंग चीजें लेकर आई हूँ और साथ में आज के हमारे कंटेंट्स होंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर तो हम देखेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं इसके पहले वाली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 3.1 में बताया था कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी फैक्टर्स पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा आपको और मल्टीपल्स पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा तो आप लोग उसको चेकआउट कीजिए देन थ्री को आके कैरी ऑन कीजिए ठीक है सो so, फटाफट फड़ से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं तो आप लोग रेडी हैं चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं ये हम आज की क्लास में देखेंगे तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं कैसे निकाले जाते हैं फैक्टर्स की कंडीशन क्या होती है ये मैंने बताया था ठीक है नाउ फैक्टर्स सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ फैक्टर्स देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नंबर्स के फैक्टर्स निकाले हुए हैं तो वन टू ट वन टू ट्वेल्व के हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले हुए हैं और फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कैसे निकालते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया तो आप लोग लास्ट वाली क्लास चेकआउट कर लीजिए नाउ यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं स्टेबल में फैक्टर्स दिए हैं और नंबर ऑफ फैक्टर्स सो so, हमें क्या करना है ऑब्जर्व करना है वेरिएबल इस टेबल में कि कितने फैक्टर्स हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर्स के और नंबर ऑफ फैक्टर्स देखने हैं ठीक है थीके? तो ऑब्जर्व द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ फ्यू नंबर अरेंज इन दिस टेबल हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं सो so, यहाँ पे हमारे पास है वन अब वन का फैक्टर क्या हो सकता है वन क्यों क्योंकि वो उसके इक्वल है एज वेल एज स्मॉल है नो no, इक्वल है फैक्टर्स की कंडीशन होती है कि फैक्टर या तो इक्वल होता है या फिर स्मॉल होता है नंबर टू अब नंबर टू के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे एक तो होगा और एक टू होगा तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे टू फिर नेक्स्ट है नंबर थ्री नंबर थ्री का फैक्टर होगा वन एंड थ्री यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स टू हो जाएंगे देन नंबर फोर के होंगे वन टू फोर ठीक है एक बार हम देख लेते हैं

One, two, three, six. Number of factors, four. Seven के कौन कौन से होंगे के so, आपको जहां पे भी होगा आप उसको एक बार आ, ऐसे कट करके देख लेना कि रिमाइंडर हमारा इस केस में जीरो आता है कि नहीं अगर रिमाइंडर में कुछ वैल्यू आएगी तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा फैक्टर की एक कंडीशन ये भी होती है कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं मींस जो हमारा नंबर होता है उससे हमारे फैक्टर्स हमेशा लेस देन होते हैं या फिर इक्वल टू होते हैं ठीक है नेक्स्ट है टेन टेन का होता है एंड और नंबर ऑफ फैक्टर होंगे हमारे फोर नेक्स्ट है इलेवन इलेवन के होंगे वन एंड इलेवन एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स टू ट्वेल्थ के कितने होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आप देख लो एक बार ट्वेल्थ का हम लोग तो चेक कर लेते हैं तो ट्वेल्व का तो ट्वेल्थ इट्स एक फैक्टर तो होगा ही देन और कौन कौन से हो सकते हैं सिक्स सिक्स टू जो इस केस में भी रिमाइंडर ज़ीरो देन नेक्स्ट है ट्वेल्व का फोर फोर से करते हैं अगर हम फोर फोर सिक्स फोर थ्री ज ट्वेल्व इस केस में भी हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो होगा एंड ट्वेल्व डिवाइडेड बाय अगर हम थ्री करते हैं तो यहाँ पे फोर आ जाएगा रिमाइंडर क्या होगा हमारा जीरो ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्स यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा ट्वेल्व डिवाइडेड बाय अगर वन करेंगे तो ट्वेल्व आएगा और रिमेंडर हमारा जीरो आएगा तो दीज आर दिक्कस देखो तो आप लोग को फैक्टर निकालने में कुछ भी कंफ्यूजन होगा आप एक एक नंबर लेके उसको डिवाइड करके देखना और उसका रिमाइंडर हमारा जीरो आना चाहिए अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो वो फैक्टर नहीं होगा एक और कंडीशन जो भी फैक्टर होता है वो उस पर्टिकुलर नंबर से या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए ठीक है सो दीज आर द फैक्टर्स सो अब हम देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं तो प्राइम नंबर की कंडीशन होती है जो कंडीशन मैं पहले आपको बता देती हूँ कि अभी हमने उस टेबल में क्या देखा उस पर्टिकुलर टेबल में हमने ये देखा है कि जो नंबर वन है ठीक है ये जो हमारा यहाँ पे ये जो नंबर वन है इसका फैक्टर वन है ठीक है और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं वन ही है तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया कि द नंबर वन हैज ओनली वन फैक्टर ठीक है नंबर वन का सिर्फ और सिर्फ वन फैक्टर है एक तो वन है और उसको हम कह सकते हैं कि वो इट्स है मतलब वो खुद ही उसका एक फैक्टर है दैट मीन्स अगर वन को मैंने वन से डिवाइड किया तो आ, हमारा वन ये तो वन नंबर ही है ठीक है ये वन नंबर खुद ही उसको डिवाइड कर रहा है तो ये हम क्या बोलेंगे कि वन इट खुद ही एक फैक्टर है सो नेक्स्ट कंडीशन क्या है देयर आर नंबर्स बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं एक तो वो नंबर खुद इट और एक वन हमने क्या नोटिस किया कि ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिनके फैक्टर या तो वन है और या तो वो नंबर खुद है देखो आप यहाँ पे जैसे टू टू का एक फैक्टर तो वन होगा और एक नंबर इट्स होगा सिमिलरली थ्री में देखो थ्री का फैक्टर भी खुद वो होगा और साथ में एक वन होगा फोर के तो तीन फैक्टर्स हैं, तो फाइव केस में भी सिमिलरली वन एक फैक्टर होगा और एक फाइव हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ऐसे कुछ नंबर हैं सेवन इलेवन ऐसे कुछ नंबर्स हैं सिमिलरली थर्टीन भी होगा ऐसे कुछ नंबर हैं जिनके फैक्टर या तो वन है या नंबर इट्स है तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स ठीक है सच नंबर्स आर टू थ्री फाइव सेवन इलेवन एक्सेट्रा दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स गॉट माय पॉइंट ऐसे नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं वो नंबर जिनका फैक्टर या तो वन होगा या नंबर इट होगा तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर द नंबर अदर देन वन

नेक्स्ट ट्राई टू फाइंड सम मोर प्राइम नंबर अदर देन दीज इनके अलावा और भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स होंगे जैसे मैंने आपको भी बताया था थर्टीन थर्टीन या तो वो थर्टीन खुद से कैंसिल आउट होता है या फिर वन से होता है उसके अलावा इसके और फैक्टर्स नहीं होते थर्टीन के बाद फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन सेवनटीन भी एक प्राइम नंबर है क्यों क्योंकि सेवेंटीन सेवनटीन से डिविजिबल होता है या वन से होता है देन एटीन नाइनटीन नाइनटीन के केस में भी क्या होगा नाइनटीन खुद से तो डिविजिबल हो जाएगा या वन से होगा बट उसके अलावा वो किसी नंबर से नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि थर्टीन 17, नाइनटीन और ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी थ्री के बाद आएगा हमारा फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ट्वेंटी नाइन ऐसे जो नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स ये क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर्स जो या तो वन से डिविजिबल हो या फिर नंबर uh, इट से खुद से तो ऐसे नंबर्स हमारे कहलाते हैं प्राइम नंबर देयर आर नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर अब ऐसे नंबर ऐसे फैक्टर्स जैसे यहाँ पे मैं एक सेकंड कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में अब देखो ऐसे नंबर्स जैसे ये फोर है then six, then eight, then nine, or 10 12 अब इन numbers के जो factors hain वो 2 से ज्यादा है ठीक है मतलब इनके factors जो hain वो more than 2 hain तो जो ऐसे numbers होते हैं जो मोर देन टू होते हैं ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर ठीक है क्या कहते हैं ऐसे numbers को कंपोजिट नंबर आया समझ में जिन नंबर के फैक्टर्स वन और नंबर इट होते हैं वो नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स बट जो नंबर के फैक्टर्स दो से ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स वो नंबर हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर्स गॉट माय पॉइंट अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करो मुझे कि मैम हमें यहाँ पे डाउट है अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं नंबर हैविंग मोर देन

सबसे पहले तो वन से हो जाता है ठीक है टू से तो नहीं होता है थ्री से हो जाता है तो थ्री थ्री जा सॉरी थ्री फाइव जा फिफ्टीन और किससे होता है फाइव से भी होता है फाइव थ्री जिफ्टीन और किससे होता है फिफ्टीन इट सेल्फ से भी होता है और होता है किसी से सो so, ये जो तीन चार हमारे नंबर्स हैं ये कितने हो गए मोर देन टू हो गए और जब मोर देन टू नंबर्स होते हैं तो वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं तो ये हमने चेक कर लिया कि 15 हमारा एक क्या है कंपोजिट नंबर है सिमिलरली फॉर 18 अब 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं एक तो 18 का फैक्टर होता है वन देन 18 का फैक्टर होगा टू देन थ्री देन सिक्स देन और कौन सा होगा नाइन और नाइन uh, के बाद और कौन से होंगे टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ठीक है और कौन से होंगे 18 तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18 तो ये मोर देन 2 है तो इसलिए ये भी क्या कितने क्या होंगे कंपोजिट नंबर 25 के फैक्टर्स कौन-कौन से होंगे एक होगा 25 का 1 फिर होगा 5 फिर होगा आ, 5 5 25 और होगा 25 और होंगे कोई बताओ 3 होगा क्या नहीं और कौन-कौन से होंगे 25 के फैक्टर्स बताओ चलो फटाफट बताओ तो इसके सिर्फ तीन ही फैक्टर्स होंगे बट ये क्या हो गए ये मोर देन टू हो गए ठीक है जब मोर देन टू फैक्टर्स होंगे तो ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसको नोटेड डाउन कर लेना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये कभी कभी चूज द करेक्ट आंसर में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस। वन इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर वी कैन फाइंड प्राइम नंबर फ्रॉम वन टू हंड्रेड विथ एन ईजियर मेथड अब हमको अगर वन से लेके हंड्रेड तक प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम देखते हैं कि किस मेथड से करेंगे सो ग्रीक मैथमेटिशियन एक ग्रीक के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था इराटोस्थीन्स ये जो थे साइंटिस्ट थे ये एक इन्होंने सॉरी मैथमेटिक्स थे है ना इन्होंने बताया था कि कौन सी ऐसी मेथड है जिसके थ्रू हम वन टू हंड्रेड तक प्राइम नंबर्स देख सकते हैं चेक आउट कर सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं कि वन से हंड्रेड के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे तो हम इस मेथड को चेक आउट कर लेते हैं देखते हैं हम भी सीखेंगे इस मेथड को कि कैसे ये हम प्राइम नंबर इसमें से निकाल सकते हैं सो so, हम देखते हैं सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, उसमें सारे नंबर से लेकर 100 तक राइट करने पड़ेंगे आप लोग भी ऐसा करके देख लीजिएगा ठीक है हमने क्या किया सबसे पहले हमने वन टू हंड्रेड नंबर एक टेबल के अंदर इट डाउन किया नाउ अब हमें क्या करना है तो इसकी स्टेप वन देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा क्रॉस आउट स्टेप वन में क्रॉस आउट वन बिकॉज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वन ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वन को यहाँ पे देखो हमने क्रॉस आउट किया है ठीक है नाउ देन हम सेकेंड में क्या करेंगे देखो स्टेप टू में हम क्या करेंगे एन सर्कल करेंगे किसको करेंगे एन सर्कल टू क्रॉस आउट

देखो इसमें अपने आप इन लोगों ने क्रॉस करके रखा है ठीक है जो भी हमारे टू वाले हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी क्रॉस आउट हैं ठीक है ठीके? ये देखो ये एक बार मैं कर भी दे रही हूँ अपन इसको कर भी देते हैं जो जो टू के मल्टीपल्स होंगी तो ये यहाँ पे हमारे सारे ये सारे के सारे टू के मल्टीपल्स होते हैं फोर वाले भी टू के मल्टीपल्स होते हैं एंड सिक्स वाले भी टू के मल्टीपल्स होते हैं फिफ्टी एट एट वाले भी टू के मल्टीपल्स होते हैं और हंड्रेड वाले भी टू के मल्टीपल्स बाकी जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स है उनको हमने अभी छोड़ दिया है नाउ स्टेप थ्री स्टेप थ्री में क्या करना है यू विल फाइंड दैट द नेक्स्ट अनक्रॉस नंबर इज थ्री अब आप देखेंगे कि आपका जो भी नेक्स्ट अनक्रॉस नंबर है वो थ्री है चलो चेकआउट करते हैं अब अनक्रॉस्ड हमारा टू के बाद थ्री है तो इसको क्या किया है यहाँ पे सर्कलमेंट कर दिया नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन स्टेप फोर द नेक्स्ट अनक्रॉज नंबर इज फाइव सर्कल फाइव एंड क्रॉस आउट ऑल मल्टीपल ऑफ फाइव अदर देन इट के जैसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा 5 है उसको हमें एन सर्कल कर देना है और अपार्ट फ्रॉम 5 5 को छोड़ के जितने भी 5 के मल्टीपल है उनको हमें क्रॉस करना है तो 10 को 10 वाली लाइन को तो ऑलरेडी हमने क्रॉस कर दिया था अब 5 वाली लाइन को हम क्या करते हैं क्रॉस कर देते हैं got my पॉइंट जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं उनको हम क्रॉस आउट कर देंगे सिमिलरली ये ये भी भी तो तो इनको आउट हो गया टू की वजह से और फाइव को हमें क्या करना है encirclement करना है नाउ अब हमारा जो स्टेप फाइव है वो क्या कहता है कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल द नंबर इन द लिस्ट आर एन सर्कलमेंट और क्रॉसड आउट ऑल दर्कल्ड नंबर आर प्राइम नंबर all the crossed out numbers other than one are composite number this method is called the sieve of eratosthenes theek hai is methods ko hum kehte hain sieve of eratosthenes eratosthenes this is the he is the mathematician. ये एक mathematician थे जिन्होंने हमें ये method बताई है तो हम इस method को देखते हैं और रिवाइज करते हैं सो इन मैथमेटिशियन ने अपन को क्या बताया है देखो इस मेथड में उन्होंने हमें ये समझाया कि सबसे पहले हमको वन को क्रॉस करना है ठीक है क्यों करना है क्योंकि तो वन हमारा एक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कुछ भी नहीं है ना तो वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है सिंपल तो हम वन को सबसे पहले क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे नाउ टू नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे टू को सर्कल करेंगे और जितने भी नंबर टू के मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस कर देंगे नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे थ्री पे अगेन थ्री को हम एनसर्कलमेंट करेंगे और जितने भी थ्री के मल्टीपल्स हैं जितने भी वो सारे मल्टीपल्स को हम क्या करेंगे थ्री के मल्टीपल्स को क्रॉस कर देंगे सिमिलरली फॉर फाइव फाइव को एनसर्कलमेंट करेंगे और फाइव के मल्टीपल्स को क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे फिर सिमिलरली फॉर नेक्स्ट नंबर सेवन तो हमको ये जो प्रोसेस so है अब हम ये देखेंगे कि जितने भी नंबर्स हमारे जैसे 7 है, तो 7 की में 7 7, जा 14, तो हम यहाँ पे 14 को क्रॉस किया, फिर हमने फोर्टी टू को भी क्रॉस किया सेवन सिक्स फोर्टी टू फिर अब हम आएंगे eight पे. तो हमारा आउट हो चुका है क्यों क्योंकि ये टू का मल्टीपल था नेक्स्ट नाइन पे आएंगे हम तो नाइन तो हमारा आउट हो चुका है क्योंकि ये थ्री का मल्टीपल था अब ऐसे ही हमको आगे जो जो नंबर हमारा लेफ्ट ओवर रहेगा जैसे अब नेक्स्ट नंबर हमारा है यहाँ पे इलेवन तो हम क्या करेंगे इलेवन के मल्टीपल्स लिखेंगे और उनको क्रॉस आउट कर देंगे तो इलेवन का मल्टीपल होगा इलेवन वन जै इलेवन इलेवन टू जी ट्वेंटी टू फिर थ्री ज़ा थर्टी थ्री फोर ज़ा फोर्टी फोर फाइव ज़ा फिफ्टी फाइव सिक्स ज़ा सिक्सटी सिक्स सेवन ज़ा सेवेंटी सेवन एट ज़ा एटी एट और नाइन ज़ा नाइन अब हम नेक्स्ट पे आएंगे उसको एन सर्कल करेंगे थर्टीन को और उसके जो मल्टीपल्स होंगे तो उनको क्रॉस आउट कर देंगे फिर नेक्स्ट सेवनटीन पे उसके मल्टीपल को क्रॉस आउट फिर नेक्स्ट नाइनटीन पे सर्कल एंड उनके जो मल्टीपल होंगे ऐसे करते करते जिन जिन नंबर्स पे हमारे सर्कल हो जाएंगे वो नंबर हमारे होंगे प्राइम नंबर्स एंड जिस नंबर पे क्रॉस आउट होगा वो नंबर हमारे होंगे कंपोजिट नंबर तो यहाँ पे जो नंबर पे सर्कल है ये है हमारा प्राइम नंबर और जिस नंबर पे हमारा क्रॉस है वो है हमारे क्या है कंपोजिट नंबर्स गॉट माई पॉइंट समझ में आ गया? क्या करना 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 है है, है, हमको? हमको से स्टार्ट करना है, को क्रॉस करना है क्योंकि वो प्राइम जितने भी मल्टीपल्स कर देना है नेक्स्ट पे जाना है उसको सर्कल करना है थ्री को और फिर उसके जितने मल्टीपल्स हैं, करना है फिर नेक्स्ट पे जाना है फिर फाइव पे तो उसको हम सर्कल करेंगे और उसके मल्टीपल्स को क्रॉस कर देंगे ऐसे करते करते हम हंड्रेड तक करेंगे हंड्रेड तक हमारे जितने भी एनसर्कलमेंट होंगे वो सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर्स होंगे ठीक है और जिन जिनपे एनसर्कलमेंट नहीं होगा जिन पे क्रॉस हो जाएगा वो सारे नंबर्स हमारे क्या होंगे कंपोजिट नंबर ठीक है तो ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर्स आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इट इज वेरी इजी आप इस टेबल को बना के एक बार खुद अपनी नोटबुक में सॉल्व करके देखिए आपके माइंड से पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे पूरे और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो में एक बार देखिए चेकआउट कीजिए फिर अगेन एक बार बनाइए एक बार आप पूरी बुक्स और सब कुछ क्लोज करके एक प्लेन पेपर पर ड्रॉ करिए वन टू हंड्रेड एंड देन जैसी मेथड मैंने बताई है उस मेथड से आप लोग उसको ट्राई करिए आपको अपने आप रिजल्ट मिलेगा और आपके दिमाग से प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर का कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा ठीक है नाउ वी हैव एग्जांपल एग्जांपल हियर सेज राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन फिफ्टीन इट इज वेरी इजी हम इसको उसी मेथड से भी कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ठीक है मैंने यहाँ पे पूरे नंबर्स इट डाउन कर दिए हैं सॉल्यूशन में अब हम क्या करेंगे सारे के सारे नंबर्स में क्या करेंगे वन तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्रॉस आउट मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ कलर चेंज करने से कंफ्यूजन नहीं होता है ठीक है तो वन को मैंने क्रॉस आउट किया ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है अब टू हमारा क्या है प्राइम नंबर टू के मल्टीपल्स को हम क्या करेंगे क्रॉस 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 टेन भी क्रॉस ट्वेल्व भी क्रॉस एंड फोर्टीन भी क्रॉस अब थ्री भी हमारा क्या होगा प्राइम नंबर होगा और थ्री के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं नाइन क्रॉस ट्वेल्व तो क्रॉस ही हो गया थर्टीन फिफ्टीन भी क्रॉस देन नेक्स्ट है हमारा फाइव अब फाइव के हमारे कौन कौन से मल्टीपल होंगे तो क्रॉस हो चुके हैं अब नेक्स्ट है सेवन सेवन का मल्टीपल क्या होगा सेवन टू ज फोर्टीन तो वो भी क्रॉस हो गया नेक्स्ट है इलेवन अब इलेवन का मल्टीपल होता है ट्वेंटी टू नेक्स्ट नंबर तो वो भी नहीं है यहाँ पे तो सिर्फ इलेवन नेक्स्ट है हमारा थर्टीन तो थर्टीन का जो भी मल्टीपल होगा वो है नहीं फिफ्टीन के अंदर आता है थर्टीन नाउ अब हमारे यहाँ पे कितने नंबर है जो प्राइम नंबर है टू थ्री फोर सॉरी फाइव सेवन देन इलेवन एंड देन थर्टीन दीज आर द ये क्या है प्राइम नंबर नंबर्स लेस देन फिफ्टीन वॉट माई पॉइंट दीज नंबर आर प्राइम नंबर लेस देन फिफ्टीन सिमिलरली अगर आपको प्राइम नंबर की जगह यहाँ पे कंपोजिट नंबर बोले तो भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है बहुत ईजी है अगर क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पे हमें कंपोजिट नंबर बताओ कि कौन कौन से होंगे राइट ऑल कंपोजिट नंबर लेस देन तो इट इज़ वेरी इजी अब हमें क्या करना है हमने ऑलरेडी प्राइम नंबर निकाल लिया है तो हमें ये पता है कि जो हमारे क्रॉस हैं वो कंपोजिट नंबर है तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर कंपोजिट होंगे फोर सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व फोर्टीन एंड फिफ्टीन इट नंबर आर कंपोजिटीन अगर लेस देन बोलेंगे तो फिफ्टीन नहीं आएगा ठीक है so लिया आप लोगों ने आप लोग भी इसको सॉल्व कर लो और समझ लो कि इसको कैसे करना है अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं ठीक है थीके? तो ज्यादातर जो भी हमारे प्राइम नंबर होंगे वो ऑड होंगे इस चीज को आपको याद रखना है बट एक नंबर होता है जो इवन होता है वो है हमारा टू तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा टू टू क्या होगा हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बट अगर क्वेश्चन बोलता है कि विच इज द इवन प्राइम नंबर तो टू इज द

टू को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे ऑड नंबर्स होते हैं ठीक है तो आपको इस चीज को याद रखना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है टू बट टू को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे ऑड नंबर्स होते हैं गॉट माई पॉइंट नाउ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू सो अव क्वेश्चन इज वॉट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स तो हमें देखना है कि क्या क्वेश्चन नंबर ए कहता है कि क्या वो ऑड नंबर होंगे और क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि क्या वो इवन नंबर होंगे तो सबसे पहले हम कोई भी दो ऑड नंबर्स लेते हैं तो आ, हम लेते हैं थ्री प्लस फाइव तो थ्री प्लस फाइव इज इक्वल्स टू एट ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं ऑड नंबर्स हैं ठीक है ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है बट ये नंबर हमारा क्या हो गया इवन नंबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर ठीक है अगर हम दो ऑड नंबर का सम करेंगे तो वो एक इवन नंबर के बराबर कहलाएगा ठीक है नाउ तो अब क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछ रहा है क्या वो इवन नंबर्स होते हैं तो अगर सपोज हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर अगर हम दो इवन नंबर को सम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा ये हो गया हमारा ए है ना और बी हो जाएगा द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर तो हमारा पहला इवन नंबर टू और दूसरा इवन नंबर फोर होगा तो अगर इन दोनों को हम सम करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा सिक्स तो ये भी एक इवन नंबर है ये भी एक इवन नंबर है तो हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज इवन नंबर अगर हम दो इवन नंबर का सम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी इवन आएगा बट द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर एज इवन नंबर दो ऑर्ड नंबर का सम करेंगे तो हमें एक ईवन नंबर ही मिलेगा दोनों के एग्जाम्पल हमने देख ली है Now next question. State whether the following वेदर are true or false. जो statements हैं वो true है कि false है. तो very first statement है even हो सकते हैं चलो हम try कर लेते हैं तो एक हो जाएगा हमारा odd number, three plus five plus one. तो ये तीनों के तीनों odd number हैं तो क्या हो जाएंगे Eight और one, nine. तो नाइन हमारा क्या है एक ऑड नंबर इवन नंबर है कि ऑड है नाइन क्या है ऑड नंबर है ठीक है तो क्वेश्चन में क्या द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज इवन नो आंसर इज नो नेक्स्ट है द सम ऑफ टू ऑड नंबर एंड वन इवन नंबर इज इवन हम देख लेते हैं टू ऑड नंबर्स थ्री प्लस वन प्लस वन इवन नंबर टू क्या वो एक इवन नंबर होगा थ्री वन फोर फाइव सिक्स तो ये भी हो जाएगा नो no. फॉल्स हो जाएगा कि द सम ऑफ टू ऑड नंबर नंबर एंड वन इवन इज इवन नो फॉल्स वो एक ऑड नंबर इज इवन यस यस इज इवन वो यस yes होगा सॉरी क्योंकि सिक्स हमारा एक इवन नंबर है तो यस ट्रू द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑड वन इंटू थ्री इंटू फाइव तीन नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो ऑड होगा थ्री वन जी थ्री फाइव इट इज ऑड गॉट माई पॉइंट सो फर्स्ट वन इज फॉल्स सेकेंड वन इज ट्रू थर्ड वन इज ऑल्सो ट्रू नाउ वी मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट डी है इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड अगर हम किसी नंबर को टू से डिवाइड करते हैं suppose four, उसको हम टू से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन आंसर वो ऑड होना चाहिए तो ये हो जाएगा टू टू जै फोर नो ये तो इवन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है की सो डी क्या है फॉल्स क्यों क्योंकि क्यों उसका रिजल्ट आंसर uh, क्या आ रहा है टू और वो कह रहा है कि क्वेश्चन ऑड होना चाहिए क्वेश्चन

तो ये कह रहा है कि ऑलवेज ऐसा नहीं होता कभी ऑड भी होता है और कभी इवन भी होता है हमने दोनों कंडीशन देख ली तो हम क्या बोलेंगे कि सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन नो फॉल्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर यस टू सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है ये मैंने आपको बताया था कि टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर बाकी सारे के सारे क्या है हैं नेक्स्ट है आई ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर है तो ये ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स क्यों क्योंकि टू भी इवन है टू भी प्राइम uh, नंबर है कंपोजिट नंबर तो नहीं है बट वो इवन है नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन लेट्स सी दो इवन नंबर के ऑलवेज इवन नंबर होते हैं चलो चेक कर लेते हैं टू इंटू फोर इज इक्वल्स टू टू फोर जा एट यस इवन तो है नेक्स्ट चेक करते हैं टू इंटू सिक्स ट्वेल्व नेक्स्ट फोर टू जा एट फोर नाइन जा थर्टी सिक्स यस प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर तो ये भी क्या हो गया ट्रू हो गया

इन दोनों के डिजिट सेम है वन भी है दोनों में दोनों में थ्री भी है बट उनकी प्लेसेस अलग अलग हैं बट डिजिट सेम है तो हमको ऐसे और भी नंबर्स बताने हैं जिनकी डिजिट सेम हो वो सारे के सारे के प्राइम नंबर्स हैं या नहीं तो जैसे थर्टीन और थर्टी वन जो है वो तो प्राइम नंबर है तो हम चेकआउट करते हैं कहाँ पे टेबल में चलो हम टेबल पे देख लेते हैं हमने जो टेबल बनाया था सी अब यहां पे हमारे प्राइम जैसे हमारा थर्टीन था और थर्टी वन था ये दोनों क्या है प्राइम नंबर है अब हम देखते हैं ऐसे और भी नंबर जिनके डिजिट चेंज हो रही है तो नेक्स्ट है ट्वेंटी थ्री और थर्टी टू तो ट्वेंटी थ्री और थर्टी टू नो ऐसे ये तो नहीं हुआ तो अब नेक्स्ट है फोर्टी वन और फोर्टीन तो ये भी नहीं है फिर नेक्स्ट है फिफ्टी वन और फिफ्टीन ये भी नहीं है फिर नेक्स्ट है सिक्सटी वन सिक्सटी नो सेवेंटी वन यस, सेवेंटी वन और 17 है ठीक है फिर और कौन से नंबर हैं ऐसे आ, और देख लेते हैं ये तो नहीं है ठीक है फिर इस रो में थर्टी सेवन और सेवेंटी थ्री भी है ठीक है थर्टी सेवन और सेवेंटी थ्री भी है फिर ये है फिफ्टी थ्री और थर्टी फाइव नो फोर्टी थ्री और थर्टी फोर नो फिर थर्टी सेवन सेवेंटी थ्री यस फोर्टी सेवन सेवेंटी फोर नो सिक्सटी सेवन सेवेंटी सिक्स नो नाइन्टी सेवन सेवेंटी नाइन यस फिफ्टी नाइन नाइन्टी फाइव नो फिर एटी नाइन नाइन्टी एट नो ट्वेंटी नाइन नाइन्टीन यस तो ऐसे कितने पेयर हैं एक ये है ट्वेंटी नाइन और ये फिर एक ये वाला पेयर है हमारा सेवेंटी थ्री और थर्टी सेवन टू पेयर हो गए फिर एक हो गया सेवेंटी वन और सेवेंटीन ठीक है, फिर यहाँ पे बस इतने ही पेयर है, है हमारे ठीक है जो क्या है हमारे प्राइम नंबर है तो एक यहां पे हो गया हमारा नाइनटीन और नाइनटी सेवन फिर थर्टी सेवन एंड सेवेंटी थ्री फिर एक है सेवनटीन और 71 वन तो ये जो है वन टू हंड्रेड के बीच में ऐसे नंबर जिनके डिजिट सेम है ये नंबर्स भी हमारे अप टू हंड्रेड क्या है प्राइम नंबर्स है ठीक है सो मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर लेस देन ट्वेंटी हमको सेपरेटली लिखना सो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे प्राइम नंबर्स अप टू ट्वेंटी लिखना है ठीक है तो प्राइम नंबर होगा टू थ्री फाइव सेवेन एट भी नहीं है नाइन भी नहीं है और टेन uh, भी नहीं है इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन These are the prime numbers. Now, composite numbers. ठीक है सो so, कौन कौन से कंपोजिट नंबर होंगे हमारे फोर सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड एटीन दीज आर कंपोजिट नंबर वॉट माई पॉइंट हाउ वी कैलकुलेट ठीक है ऐसे आपको भी निकालना है सो इट इज़ वेरी इजी लग रहा है ना मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छी क्लास में बहुत मज़ा आ रहा है देखो ये हमने प्राइम नंबर्स निकाल लिए और ये हमारे हैं कंपोजिट नंबर्स ठीक है सो मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव मैं आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि दो ही टॉपिक हैं एक तो प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर तो ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा है और मैंने आपको एक बार में समझा दिया है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं तो इसीलिए हम फटाफट से आगे के क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन वन टू टेन वन टू टेन में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा अभी हमने यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिए हैं देखो तो वन टू टेन में हमारा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा सेवन सो सेवन इज अवर ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑर्ड प्राइम्स हमें क्या करना है कि दो ऑर्ड प्राइम्स यहाँ पे कैलकुलेट करें सम ऑफ टू ऑर्ड प्राइम्स निकालना है मतलब हमारा जो सम होगा वो फोर्टी फोर होना चाहिए बट किसका किसका होगा दो ऑर्ड प्राइम्स का तो हम फोर्टी फोर का देख लेते हैं क्या क्या होगा हमारा तो फोर्टी फोर सम किसका हो सकता है थ्री प्लस फोर्टी वन ठीक है तो ये भी एक हमारा हो गया, ये भी भी एक एक हमारा हमारा प्राइम प्राइम नंबर नंबर हो Now, ये हो। गया, थ्री थ्री नो नहीं होगा फाइव का देख लेते हैं अगर फाइव का एड हम करेंगे थर्टी वन में तो क्या हो जाएगा हमारा ये भी एक ऑर्ड प्राइम नंबर हो जाएगा ठीक है ये दोनों भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं फिर ट्वेंटी के फोर केस में हम देखते हैं अगर हम फाइव को ऐड करते हैं किसके साथ uh, 5, 24 कब मिलेगा हमको जब हम यहाँ ऐड करेंगे ठीक है तो जैसे ही तो फिर नेक्स्ट है हमारा डी अब डी में हमारा एटीन हमको रिजल्ट लाना है अगर यहाँ पे भी मैं फाइव ऐड करती हूँ तो कितना हो जाएगा थर्टीन थर्टीन प्लस फिफ्टीन हो जाएगा हमारा एटीन ठीक है वॉट माई पॉइंट

अगर हम टू माइनस फाइव करते हैं तो उसका डिफरेंस तो थ्री आएगा तो वो नहीं है थ्री माइनस फाइव करेंगे तो उसका डिफरेंस टू आ जाएगा ठीक है तो पहला पेयर होगा हमारा थ्री और फाइव का क्योंकि इसका डिफरेंस हमारा कितना आएगा टू फिर नेक्स्ट पेयर हम अगर फाइव और सेवन ले लें ले तो, तो इसका डिफरेंस भी टू आएगा फिर नेक्स्ट पेयर हम ले, ले लेते हैं सेवेन एंड नाइन इसका डिफरेंस भी हमारा टू आएगा बट नाइन तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो हम नेक्स्ट क्या लेंगे बताओ आप लोग नेक्स्ट हम ले लेंगे इलेवन और थर्टीन तो ये हो जाएगा हमारा टू इसका डिफरेंस तो ये जो हमारे तीन है, ये है हमारे थ्री पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज़ मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ नंबर्स आर प्राइम इसमें से कौन सा नंबर है जो प्राइम है तो अगर आपको मैं तो वैसे देख के चेकआउट कर सकती हूँ कि कौन कौन से नंबर प्राइम है ये ट्वेंटी थ्री प्राइम है एंड ट्वेंटी थ्री के बाद थर्टी सेवन प्राइम है एंड फिफ्टी वन भी प्राइम है ट्वेंटी सिक्स प्राइम नहीं है क्यों क्योंकि आ, इसका इसके फैक्टर्स थर्टीन भी होते हैं ठीक है और टू भी होगा वन भी होगा तो ये मोर देन टू हो गए ना फैक्टर्स तो ये प्राइम नंबर नहीं है बाकी ये तीनों क्या है प्राइम नंबर्स हैं नाउ नेक्स्ट

थ्री नाइन्टी फोर नाइनटी फाइव एंड नाइन्टी देखो इसमें इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है आप इसको चेकआउट कर लेना ठीक है मैंने यहाँ पे आपको ये नंबर्स बता दिए अब आपको इनके फैक्टर्स लिखने हैं ठीक है ठीके? आप इन सब के फैक्टर्स लिख लीजिएगा कि इनके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे और एक बार चेक कर लीजिएगा कि इनके जो फैक्टर्स है ये मोर देन टू है कि नहीं है वैसे तो है बट आप एक बार इसको चेकआउट कर लीजिए दिस इज योर होमवर्क आज मैंने एक भी होमवर्क नहीं दिया ये दिया है मैंने आपको होमवर्क ठीक है इसको आंसर कीजिए नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज ऑफ थ्री ऑड प्राइम्स इसमें से हमको थ्री ऑड प्राइम्स बताने हैं फर्स्ट नंबर इज अवर वेरी फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा ए ए का ए का होगा हमारा ट्वेंटी तो हमको इसका जो सम निकालना है वो थ्री ऑड प्राइम नंबर्स होने चाहिए तो हम क्या क्या ले लेंगे थ्री प्लस फाइव ये कितना हो जाएगा हमारा एट ठीक है अब एट में हम और कितना ऐड करेंगे कि हमें ट्वेंटी वन मिल जाएगा बताओ थर्टीन ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा सिक्सटीन प्लस फाइव इलेवन ठीक है तो ये हो गया हमारे थ्री ऑड प्राइम नंबर्स फिर नेक्स्ट हम लेते हैं थर्टी वन अब थर्टी वन का क्या होगा बताओ तो थर्टी वन का होगा थ्री प्लस फाइव प्लस ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है सिक्सटी वन हम देख लेते हैं तो सिक्सटी वन का क्या क्या होगा सेवन प्लस थर्टीन प्लस फोर्टी वन कैलकुलेट करो सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो ये हो जाएगा कैरी ठीक है तो ये भी हो गया आपके थ्री पेयर हो गए मतलब सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम्स ठीक है ये फिफ्टी थ्री आपका होमवर्क है नाउ नेक्स्ट राइट फाइव पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन सम इज डिविजिबल बाय फाइव ठीक है सो हमको लेस देन मतलब ऐसे फाइव पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर बताने हैं जो लेस देन ट्वेंटी हो और उनका जो सम हो वो डिविजिबल बाय फाइव हो तो जैसे कि सपोज फाइव है एक ठीक है फाइव हो गया हमारा टेन हो गया जिनका की जो डिविजिबल है वो बाय फाइव होना चाहिए तो लेस देन ट्वेंटी ऐसे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं तो फाइव के लिए हम देख लेते हैं फाइव के लिए कौन कौन से होंगे टू प्लस थ्री ठीक है, फिर एक हो जाएगा हमारा आ, अगर हमें टेन करना है तो टेन के लिए हम क्या ले सकते हैं तो ये, हो गया 10, ये भी डिविजिबल बाय फाइव है ये भी 5 है। अगर हमें फिफ्टीन के लिए लेना है तो फिफ्टीन के लिए हो जाएगा हमारा सेवन एट नाइन टेन थर्टीन थर्टीन प्लस टू ठीक है तो ये टू प्लस थर्टीन हमारा क्या हो जाएगा फिफ्टीन ये भी डिविजिबल बाय फाइव है फिर नेक्स्ट और हमारे क्या नंबर्स हो सकते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए हम क्या क्या बना सकते हैं सेवेंटीन प्लस थ्री ठीक है uh, 3, ये दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं और क्या क्या हो सकते हैं फिफ्टीन नो फिफ्टीन तो हमारा कंपोजिट नंबर है और क्या हो सकता है बताओ सेवनटीन uh, कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं थर्टीन थर्टीन में अगर हम सेवन ऐड कर दें तो हमारा ट्वेंटी बन जाएगा ठीक है तो सेवन प्लस थर्टीन

प्राइम नंबर ठीक है ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो होता है प्राइम नंबर फिर नेक्स्ट है अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड अव कंपोजिट नंबर ओके ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर नाउ सी वन इज नाइदर प्राइम नॉन कंपोजिट गॉट माई पॉइंट डी स्मोलेस्ट प्राइम नंबर इज टू द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज फोर नाउ द स्मॉलेस्ट इवेंट नंबर इज स्मस्ट इवेंट नंबर इज टू सो द डे ट्वेल्व क्वेश्चन इज कंप्लीटेड आज मैंने आपको ज्यादा होमवर्क नहीं दिया है बस कहीं कहीं पर एक दो क्वेश्चन ही दिए हैं तो आप उसको होमवर्क कर लेना ठीक है सो so, आज की क्लास मैं यहीं पर एंड करती हूँ थैंक यू सो मच आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से पढ़िए और बहुत मन लगा के पढ़ाई करिए मैथ्स बहुत इजी है बस आपको प्ले करना है मैथ्स के साथ एक बार आप देख के सॉल्व करिए फिर एक बार बिना देखे सॉल्व करिए अपने आप आपको चीज़ें रिमेंबर होती जाएंगी मैथ्स में ज़्यादा कुछ नहीं है अभी बहुत ईजी एक्सरसाइज चल रही हैं बस आपको मेरे साथ साथ ऐसे ही पढ़ते रहना है और बने रहना है ठीक है So I'm going to leave. Thank you so much. Thank you for the day.